नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अधूरी जांच, एक तरफा सच्चाई कैसे किसी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं, ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। किसी को भी गुनहगार मान लेना बेहद आसान है, लेकिन वारदात के बाद किसी को आरोपी या दोषी मानने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि ऐसी घटनाओं के बाद मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और फिर किसी की जिंदगी दांव पर लग जाती है? कोर्ट के एक फैसले से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि गैर जिम्मेदाराना कदम किस तरह किसी का करियर, किसी की जिंदगी खराब कर सकते हैं। हरियाणा के रोहतक में ऐसा ही हुआ। जिन दो लड़कों पर बस में छेड़छाड़ का आरोप लगा, वो अदालत से बरी हो चुके हैं, लेकिन 3 सालों में उन्होंने क्या क्या गवाया, इसकी परवाह शायद किसी को नहीं। अट्ठाईस नवंबर 2014 का ये दिन इन 3 लड़कों के लिए ऐसा दिन था जिसके दाग 3 साल तक ये अपने कैरेक्टर पर लगाए घूमते रहे। हमेशा सच की जीत होती है, तो आज हमें सच्चाई की जीत हुई है। जो अभी न्याय हुआ है और सच्चाई जीत हुई है। ये सफर तो बस में शुरू हुआ था उम्मीदों के साथ, लेकिन इनके सपनों पर ब्रेक लग गया। मारपीट के इस वीडियो को जिसने भी देखा, उसने इन 3 लड़कों को ही दोषी मान लिया। छेड़छाड़ का आरोप लड़कियों ने लगाया। वीडियो के आधार पर मीडिया ट्रायल्स में लड़कियों को सच्चा और इन लड़कों को झूठा साबित करने की होड़सी मच गई। कपड़े से ढके ये चेहरे आपको याद होंगे और याद होगी बार बार दी जाने वाली सफाई। अगर नहीं तो एक बार फिर सुन लीजिए। और सर, हम उसको आप कह रहे हो कि फोन अपना नंबर देख रहे थे बार बार, वो बार बार आपको मना कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं, सीट के ऊपर होगा। और तुम 3 लोग थे? तो मारा भी नहीं था तुमको। और वो स्पष्ट दिखाई दे रहे, तुम उसके गर्दन भी पकड़े हुए हैं। ये 3 लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे, लेकिन जल्दबाजी और आधी खबर के आधार पर मीडिया ने इन्हें दरिंदा और दोनों बहनों को बहादुर घोषित कर दिया। ये वीडियो इन दोनों लड़कियों ने ही पेश किया था। इस वीडियो के आधार पर इन दोनों लड़कियों ने आसनगांव के 3 युवकों कुलदीप, मोहित और दीपक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसी वीडियो के आधार पर एक के बाद एक मीडिया ट्रायल्स हुए और कोर्ट के फैसले से पहले ही इन 3 को दोषी मान लिया गया। हालांकि जी न्यूज लगातार ये कहता रहा कि इस खबर पर पूरे सच को जानने के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसी कोशिश के तहत इन दोनों बहनों से जब हमने इस घटना से जुड़े बारीकी से सवाल पूछे, तो ये शो से उठकर चली गई थी। राज्य सरकार ने उनके सम्मान की बात कही थी, लेकिन अब उन दोनों लड़कियों का सम्मान ही सवालों के घेरे में है। जी। तो आप तो लीजिए, आप तो प्रेशराइज कर रहे हैं हमें, हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं, हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं, अपनी अपनी गाते जा रहे हैं, कोई बात है? मैडम सुनिए, रुक जाए, एक मिनट लड़कियों की इज्जत भी है, इसीलिए लड़कों से भी सवाल कर रहे हैं। लड़कियों की इज्जत करना भी सीख रहे हैं। देश में ये 2 लड़की नहीं है और बहुत सारी भी है। लगातार बढ़ते दबाव के बाद 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। 3 युवकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया, बार बार ये खुद को बेकसूर कहते रहे। लगातार ये 3 इस पूरे मामले को सीट को लेकर हुआ विवाद बताते रहे। युवकों के समर्थन में आसन के ग्रामीण और बस में सवार कुछ लोग भी आ गए। इस पूरे मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल उठे। इसके बाद रोहतक के तत्कालीन SP ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया। इस मामले में कोर्ट में 17 फरवरी 2017 को बहस हुई। 40 गवाह पेश किए गए और लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट भी पेश की गई। 40 गवाहों ने 3 युवकों के पक्ष में गवाही दी। साथ ही लाई डिटेक्टर टेस्ट में 3 युवकों को बेकसूर माना गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए 3 युवकों को निर्दोष करार दिया। कोर्ट को हमने बताया कि 40 के 40 गवाह जो हैं वो लड़कों को बेकसूर बता रहे हैं और सारा कसूर लड़कियों का बता रहे हैं, और लाई डिटेक्टर टेस्ट के अंदर 3 लड़कों को ट्रूथफुल बताया गया और 2 लड़कियों को डिसेप्टिव बताया गया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए श्री हरीश गोयल हमारे ACGM हैं, उन्होंने उसको इनको बच्चों को 3 को डिस्चार्ज कर दिया, इनको आरोप मुक्त कर दिया। पूजा और आरती की मां ने आरोप लगाया है कि सच्चाई को दबाया गया। जो अदालत ने फैसला दिया, हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ की सच्चाई को दबाया गया है,
और हम न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जहां भी हमें न्याय मिलेगा वहां जाएंगे। पूजा और आरती अभी भी अपनी बात पर कायम है। उनके वकील का कहना है कि मामले को अब हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। फर्दर स्टेप क्या होगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम उसमें अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। जाहिर है अगर ऐसा होता है तो मामला आगे भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेगा, लेकिन फिलहाल अदालत इन तीनों को बेकसूर मान चुकी है। अदालत के फैसले के बाद इनके माथे पर लगा दाग तो हट गया, लेकिन जो वक्त ने और मीडिया ट्रायल्स ने इनसे छीना है वो कैसे इन्हें वापस मिलेगा? कोई भी अगर खबर है तो उसके ऊपर थोड़ा सा तथ्यों की जो है अगर खोजबीन अच्छे से की जाए और उसके बाद उसको जो है पेश किया जाए तो वो समाज के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मीडिया को नसीहत देते हुए कहा है कि मीडिया को खुद ही किसी को आरोपी साबित करने का अधिकार नहीं है। मीडिया को कोर्ट के मामलों से एक कदम पीछे रहना चाहिए। मीडिया को सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी रिपोर्ट चलानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहते हुए मीडिया ट्रायल्स के नाम पर होने वाले तमाशों को फटकार लगाई कि उन लड़कों की जॉब लगने वाली थी, लेकिन मीडिया ट्रायल के बाद उनका करियर तबाह हो गया। फौज में पुलिस में अप्लाई कर किया हुआ था, उनका ट्रायल चल रहा था, तो वो चांस उनको नहीं मिला, उनको स्टॉप कर दिया गया। अब 2 साल के बाद उन लड़कों को इनोसेंट मान लिया गया। अच्छा, लेकिन उनकी जिंदगी तो अब खराब हो गई समझो, क्योंकि उनका चांस निकल गया, उनकी एज निकल गई। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा गुनहगार तो मीडिया ट्रायल ही साबित हुआ है। जानकार सवाल उठाते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में तो दोबारा सुनवाई हो सकती है, लेकिन मीडिया ट्रायल में क्या ये मुमकिन है? मीडिया को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मीडिया को इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी आदमी को दोषी या उसे निर्दोष करार देना जो है वो कोर्ट की जिम्मेदारी है, और मीडिया को कहीं पर भी अपनी सीमाओं को लांघकर कोर्ट से एक कदम आगे नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से इस मामले में जल्दबाजी दिखाई गई और कोर्ट के बाहर ही तीनों को दोषी करार दे दिया गया, क्या वो अपने आप में गलत मैसेज नहीं देता? ऐसे केसेस में हमेशा गर्ल्स की ज्यादा लिया जाता है साइड, और अगर लड़के ठीक भी हैं तो उन्हें गलत ये लिया जाता है। ऐसे केस में एक स्पेशल पैनल होना चाहिए जो कि इन केसेस को देखे और परखे कि भी हाँ कि सच है कि नहीं है। से हमें सबक लेना चाहिए कि हमें इस तरह के एलिगेशन कभी भी लगाने नहीं चाहिए बिना किसी जांच पड़ताल के। इस मामले पर कोर्ट के फैसले ने ये जरूर याद दिला दिया है कि न्याय की एक प्रक्रिया होती है। अदालत के फैसले अदालत में ही होने चाहिए। आधी अधूरी कवरेज कभी कभी सच पर पर्दा भी डाल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें, इस मामले में 40 गवाहों ने तीनों युवकों के पक्ष में अपनी गवाही दी। लाई डिटेक्टर टेस्ट में तीनों युवकों को बेकसूर माना गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले में तीनों युवकों को निर्दोष करार दिया है। कुलदीप के पिता का कहना है कि बेटे की फौज में नौकरी की उम्र भी निकल गई और केस दर्ज होने के कारण तीनों सेना में भर्ती की परीक्षा नहीं दे पाए। सीएम साहब को हमें 4 जनवरी 2015 को गांव के 15 आदमी मिले थे। सीएम ने भी पूरी गांव वालों को यह आश्वासन दिया था अगर निष्पक्ष जांच करवाएंगे, अगर निर्दोष बच्चे निकले तो इनको सम्मान देंगे, इसको नौकरी सरकार देगी। और इस मामले में बरी कुलदीप और दीपक ने कहा है कि 2 साल बाद कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हमें तो न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था कि हमेशा सच की जीत होती है, तो आज हमें सच्चाई की जीत हुई है, तो हम न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी छान दिया है। हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि जब उन्होंने 4 जनवरी को बोला था कि अगर लड़के निर्दोष निकले तो हरियाणा सरकार उन्हें नौकरी देगी, और अभी हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि हमारा सम्मान और हमें नौकरी दी जाए। तो जो कई बार सतही तौर पर ठीक लगता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। ऐसे में मामले की तह तक जाना बहुत ही जरूरी है, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये मीडिया को निभानी चाहिए और अपनी सीमाओं में रहकर ही रिपोर्टिंग करनी चाहिए।